हनुमंत पवार साहब, बड़े दिनों के बाद हनुमंत पवार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हनुमंत पवार साहब नमस्कार। राम राम। नमस्कार। राम राम। जय सिया राम। राम राम सर। राम राम। कैसे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर। आप दोनों को भी नया साल बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक सर। ये ट्रांसपोर्ट की जो का जो मसला अभी चल रहा है ट्रक ड्राइवर्स को लेकर के, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरा बताएं। मैं ये संसद में अगर पार्लियामेंट में अगर कोई भी कानून बनाते वक्त अगर डिबेट नहीं होगा, संसद में अपोजिशन के लोगों को बाहर बिठा के अगर कोई भी लॉ लाया जाता है तो यही होने वाला है। उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ये किसी ने सुना नहीं, बोला नहीं, बोलने नहीं दिया। अपोजिशन वालों को तो हमें तब पता चला कि जब ये कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, अब हमें अंदर भी आप बोलने नहीं देते हो, और उस कानून के तहत जिस लोगों को दिक्कत है वो अगर रास्ते पे आ जाते हैं तो मानो किसान भी देशद्रोही हो जाते हैं, पहलवान भी देशद्रोही हो जाते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट भी देशद्रोही हो जाते, अब ट्रक ड्राइवर भी इनके लिए देशद्रोही हो रहे हैं। 7 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल तक की जेल, ये तय करके चल रहे हैं लोग सरकार के जिन्होंने कानून बनाया कि हर एक एक्सीडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार होता है। टू व्हीलर वाला, ड्रिंक करके फोर व्हीलर चलाने वाला, सिग्नल गिरने से पहले रास्ता कट करने की कोशिश करने वाला, ये सब को छोड़ के जो ट्रक ड्राइवर है वही अभी पूरे हिंदुस्तान में रस्ते पे हंगामा मचा रखा है। इन्होंने हर दिन यही एक्सीडेंट करते हैं। तो भाई किसी के भी खिलाफ इतना बुरा रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। ये सरकार सुनती भी नहीं और जब हम रस्ते पे उतरते हैं तब आंदोलन मोर्चा भी करने नहीं देती। संसद में वहां बैठे हुए लोग हमें बाहर दिखाते हैं और रास्ते पे हम आए तो आप जैसे दिखा रहे हो वैसे पुलिस लाठियां बरसाते। तो कानून करते वक्त उसकी सही ढंग से चर्चा होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। इससे पहले के कानून क्या थे, उसका क्या खामियां का भुगतना पड़ता था या उसमें से अच्छी कौन सी बातें थी, इसके बारे में डिबेट हो। इसलिए तो संसद पार्लियामेंट बनाई है। जब हम सेशन लेते हैं तो सिर्फ सेशन पे होने वाला खर्चा इतना ही पार्लियामेंट का मतलब नहीं होता, सेशन का मतलब इतना ही नहीं होता। वहां डिबेट होनी चाहिए। जब डिबेट होगी सत्ता पक्ष से कुछ कहा जाएगा, रखा जाएगा, अपोजिशन से कुछ बोला जाएगा, तभी रास्ते पे उतर के लोगों को ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। ये सरकार ने किया नहीं तो अब हर तरफ मिसकम्युनिकेशन। हनुमंत पवार साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अयोध्या में सभा भी लिया था, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हो गया, करीबन 18-20 हजार करोड़ का बजट भी सैंक्शन कर दिया था इमीडिएट, और आगे जाके और भी बढ़ने वाले हैं। ये करते करते प्राइम मिनिस्टर मोदी मीरा मांझी जो उज्ज्वला योजना का 10 करोड़ बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उनके घर में जाकर चाय पिए, वही उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस कनेक्शन मिला था उस गरीब परिवार को, शायद घर का भी उनका अलॉटमेंट हो गया था, उस गरीब परिवार के सामने मिलके उज्ज्वला योजना। तो राहुल कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे ये प्राइम मिनिस्टर लोगों से मिलते नहीं, गरीब से गरीब लोगों से वार्तालाप नहीं करते, कन्वर्सेशन करते नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। राहुल गांधी जी बात कहते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे स्टूडेंट्स, उनसे बोले लीडरशिप टू वे होना चाहिए। तो आप ये कैसे देखते हो ये, बिकॉज अभी भी राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो अकाउंटेबिलिटी, जुमला पॉलिटिक्स, तो दोनों को इक्वेट कैसे करोगे हनुमंत पवार साहब? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की शुरुआत मैं उज्ज्वला गैस योजना से मैं करता हूं। 2021-22 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संसद में सवाल पूछा था, तब पेट्रोलियम मिनिस्टर शायद तेली साहब थे स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया था। 9.37 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना का
लाभ लिया था, उसमें से सिर्फ एक बार सिलेंडर, साल में एक बार सिलेंडर भर चुके हैं। ऐसे लोग 37% लोग थे जो सिर्फ एक बार ही गैस भर चुके थे। ये ऑन रेकॉर्ड हाउस में सरकार ने रखा है। उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से एक भी गैस सिलेंडर रिफिल किया नहीं, ऐसे 13% लोग थे। 37% ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक बार साल में गैस रिफिल किया था। 10-11% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने एक बार भी गैस रिफिल नहीं किया था और साल में दो बार गैस सिलेंडर रिफिल किया था, इसका परसेंटेज था 19%। तो देखो 19%, 37% और 10-11% ये 0 से 2 गैस तक एक साल में गैस रिफिल करने वाले लोगों की असलियत थी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कांग्रेस स्पोकपर्सन की ये टीका नहीं है, टिप्पणी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाउस में जो मंत्री लेवल के आदमी ने दी हुई मालूम थी, ये इंफॉर्मेशन थी। तो ये 21-22 का मैं बोल रहा हूं, 22-23 के आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं। एक बार भी गैस रिफिल किया नहीं आधे लोग है, 10 करोड़ ये बोलते हैं, उसमें से आधे लोग तो ऐसे है जिन्होंने 0 से लेकर 2 तक भी गैस रिफिल किया नहीं। ये बताते नहीं, ये सिर्फ इतना बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ। भाई रजिस्ट्रेशन तो मैं बैठ के अभी भी उज्ज्वला गैस योजना पे रजिस्ट्रेशन करता हूं, लेकिन ये योजना तभी सफल कही जा सकती है, तभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की बात पीठ थपथपानी चाहिए, जब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो सब लोग अगर साल भर में जितने सिलेंडर उनको लगते हैं वो अगर उज्ज्वला योजना के तहत आप उनको मुहैया करते हो, तब आपको कहने का अधिकार है कि हमने गरीबों के घर में चूल्हा निकाल के, धुआं निकाल के हमने गैस दे दिया। लेकिन इसके ऊपर मोदी सरकार कुछ बोलती नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं, सिर्फ मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन, राहुल जी जैसे बोलते हैं प्रोपोगंडा, गलत इंफॉर्मेशन और खुद की इवेंटबाजी, यही अभी भी चालू है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने किया, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी ने जो किया अयोध्या में, किसी के घर में जाकर के चाय पीना, उनको मुबारकबाद देना घर के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो अब ये नौटंकी तो मोदी साहब को करनी पड़ रही है। इस देश के आम आदमी से हमारे लीडर, जाबाज लीडर, बिल्कुल डरते नहीं मोदी से, वो हमारे राहुल जी, जिस तरह आप लोगों में मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलजुल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लोग बहुत बुरी तरह से इस सरकार से पीड़ित है, वो राहुल जी को पहलवान बताते हैं, महिलाएं बताती हैं, किसान बताते हैं, हमाल मजदूर कूली जिसे बोलते हैं वो बताते हैं। अब राहुल जी तो लोगों में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना भी केस करो, उनकी कितनी, उनको संसद से बाहर करो, उनका बहन का नाम ईडी पे लगाओ, उनकी माता जी जो बुजुर्ग है उनका नाम, उनको ईडी की धमकियां दे दो, सीबीआई की धमकियां दे दो, वो तो रुक नहीं रहे। तो अब 10 साल के बाद मोदी जी को अपने मन की बात जो घर में बैठ के करते थे, अपने घर पे प्राइम मिनिस्टर निवास पे जो प्राणियों पे पक्षियों पे बातें करते थे या प्रदेश में जाते थे घूमते थे, उससे 9 साल खत्म हो जाने के बाद 10 साल आते आते मोदी जी को आज फुर्सत मिली है कि हमारे गरीब के घर में जाके चाय पिए। लेकिन वो भी चुपचाप पीते नहीं, वो बेचारी बहना उन्होंने जरा सेक्टर ज्यादा डाल दी तो मोदी ने वहां भी ताना मारा उसको कि आप बहुत मीठी चाय पीते हो, गरीब के घर की चाय मोदी जी मीठी ही रहती है, आपने अगर सच में चाय बेची होती तो आपको पता चलता आपने चाय कभी बेची नहीं थी, आपने चाय बेचने की एडवर्टाइज बेची थी, इसलिए हमारे गरीब के घर की चाय भी आपको बहुत मीठी लग रही थी। तो ये बात अच्छी नहीं है मोदी साहब। द मेन चीज यहाँ पर है कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण, प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 12:22 पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठान। सारे बीजेपी का जिस प्रकार से है कि 550 साल के बाद ये पुनर्निर्माण हो रहा है और पूरे क्रेडिट बीजेपी को मिलता है, और कांग्रेस के 70 साल ऑफ इंडिपेंडेंस
कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए यह हासिल नहीं हुआ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रयास से यह हासिल हुआ है। ये तो एक चीज हो गया, और दूसरा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वर्क अगेंस्ट प्रतिष्ठा। मगर आपके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है वो और तकलीफ दे रहे हैं, जब हिंदुत्व को गाली देते हैं, राम मंदिर के बारे में कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चाहे वो मौर्य जी हो समाजवादी के, या सीताराम येचुरी जी हो सीपीएम के, या ममता दी जी बोले कि नहीं जाएंगे हम, बॉयकॉट करेंगे, पवार शरद पवार साहब कहना कि ये तुम आप प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम इसमें डिवोट कर रहे हैं, सैम पिट्रोडा कुछ बोलना, प्रियंका खड़गे जी कुछ बोलना, आप इसको कैसे, क्या आपका वो आइसोलेशन नहीं हो रहा हिंदुत्व वोट्स, आप इसको कैसे देखते हो अनंत पवार साहब? बिल्कुल ही नहीं। हम हमारा तो नारा है कि मन में राम और हाथों का, यही लेके हम चलने वाले। मोदी जी के सीने में ना राम है ना मोदी जी के दिल में राम, प्रभु राम तो उनके लिए एक टूल बनकर रह चुके हैं। राम मंदिर का पुनर्निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, राम प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा, ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। आपको मैं इस चर्चा के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि असली श्रद्धा क्या होती है और एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। जब आप महाराष्ट्र के किसी भी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आप परभणी जाओगे, आप जालना भंडारा जाओगे, धाराशिव जाओगे, आप संभाजी नगर जाओगे, आप जब कभी रस्ते से जा रहे हो वहां जो गांव दिखता है उसके मंदिर में आप जरूर रुकिएगा। हमारे इधर राम जी का मंदिर रहता है, विठल का मंदिर रहता है, माता भवानी का मंदिर रहता है हमारे इधर। हमारे जो लोकल के छोटे 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 हमारे जो आस्था के विषय है, खंडोबा बोलते हैं हम उसे, भैरोबा बोलते हैं, मरियाई बोलते हैं, जितने गांव उतने हमारे भगवान है। हम तो हिंदू लोग हैं, हम अपने गांव के भगवान पे श्रद्धा रखने वाले हैं। तो जिस गांव में आप रुकेंगे, मैं आपको ये आह्वान करता हूं, मैं आपको जिस गांव में आप रुकोगे वहां के मंदिर में आप जरूर जाइएगा। उस मंदिर के बाहर जो सभा मंडप है वो सभा मंडप कांग्रेस के राज में बना हुआ ही आपको दिखेगा। वहां हमें फंक्शन हॉल बोल के उसका सब स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता था, मंदिर को, मस्जिद को, या किसी और विषय पे हम सरकारी तिजोरी खर्च नहीं कर सकते। तो हमने मंदिर के सामने कल्चरल हॉल, फंक्शन हॉल, इस नाम से इसी महाराष्ट्र में लाखों मंदिर हमने बनाए हैं। और किसके आमदार निधि से, किस कौन से एमएलए के निधि से वो बना है, किस साल बना है, उसका इस्टीमेट कितने रुपए का था, वो काम किस इंजीनियर ने किया, ये सब वहां लिखा है। मैं आपको कितने कितने फोटो भेज सकता हूं, लेकिन हमने कभी इसके एडवर्टाइज नहीं की। ये मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी पार्टी इसकी भी इजाजत नहीं देती कि भगवान के नाम पे अगर हमने कुछ किया है तो अगर दाएं हाथ से किया है तो बाएं हाथ को भी पता होना नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारे हिंदू धर्म सिखाती है, हमारे पुराणों में यही लिखा है कि अगर आप भगवान के लिए, आस्था के लिए, श्रद्धा के लिए, धर्म के लिए अगर कुछ काम करते हो तो उसका डंका बजाने की जरूरत नहीं है। तो अब जनता को देश के पता है कि काम कर कौन रहा है और उसका माइलेज पॉलिटिकली उठाने की गुस्ताखी कौन कर रहा है, दुनिया को पता है। लेकिन हनुमंत पवार साहब, यहां तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये हैं, जो विश्लेषण आ रहा है वो ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद जो 22 जनवरी 12:22 पे होने वाली है, 12:20 और 12:21 के बीच में, अब तो ये बात आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को शायद 400 सीटें मिल जाएं। हो सकता है कि राजीव गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 419 सीट का वो भी शायद टूट जाए। हनुमंत पवार सर, मैं भी होऊंगा देखने के लिए और आप भी होंगे जी। जिस दिन 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव का रिजल्ट होगा जी, मैं आपको पूरे पूरे विश्वास से मैं कहता हूं, इस देश की जनता महंगाई पे, इस देश के युवक बेरोजगारी पे वोट देंगे। राम मंदिर, राम जी आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का नहीं है। उसकी जाहिरातबाजी, उसकी इवेंटबाजी हिंदुस्तान की जनता नहीं सह सकती। अब दिखेगा आपको क्योंकि वो दिखा रहे हैं, वो
प्रोपेगंडा कर रहे हैं, इसलिए अब ऐसा लग सकता है। चाइनीज मीडिया में भी आपने मेरे से ज्यादा देखा है, तभी भी हुआ था, अब भी हो रहा है। इस देश का, हिंदुस्तान का युवा, किसान, महिलाएं महंगाई पे, बेरोजगारी पे और किसान की आमदनी पे वोट देने वाली है। हमारे पेंशनर्स, हमारे पुराने पेंशनर्स जब वोट देने जाएंगे तो उनको उनकी बंद की हुई पेंशन दी। हमारी महिलाएं जब लोकसभा को वोट करने जाएगी तो हमारे जो रेसलर थे उनको दिल्ली के रास्ते पे पुलिस ने कैसा कुचला गया था ये दिखेगा। हमारे स्टूडेंट जब वोट करने जाएंगे तो जेएनयू में जैसे घुसके इनके गुंडों ने मारा था वो दिखेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जब वोट देने जाएंगे तो बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह चुके लड़कों ने, जिनकी फोटो सीएम के साथ है, माननीय स्मृति ईरानी जी साहब के साथ में, नड्डा साहब के, उन्होंने बलात्कार लड़कियों पे कैसे किए ये दिखेगा। हमारे किसान जब वोट देने जाएंगे तो ओनियन के एक्सपोर्ट, ओनियन के एक्सपोर्ट पे इन्होंने वैसी बंदी लाई थी वो हमें दिखेगा। हमारे जब पंजाब के किसान वोट देने जाएंगे, हरियाणा के किसान वोट देने जाएंगे तो अजय मिश्रा के लिए हमको देखना पड़ेगा किसानों के खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ओल्ड पेंशनर्स के खिलाफ ये सरकार टिकने वाली नहीं है, जाने वाली है। लेकिन हनुमंत पवार साहब, एक भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सामूहिक बलात्कार हुआ एक बच्ची के साथ, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मीडिया कवरेज उसको मिलनी चाहिए थी बिल्कुल नहीं मिली, यह हमें तो ताज्जुब की बात ही नहीं है। सोशल मीडिया पर सर मेरे लिए है, मेरे लिए आज भी दुख की बात है। मैं पूरी बात सुन लीजिए सर, मेरे लिए, मैं पुराना पत्रकार हूँ सर, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये क्या हो रहा है। जो मर्जी हो, आपको कुछ हुआ है आपको दिखाना तो चाहिए और दिखाना पड़ेगा ही, आखिर में अब सब लोगों को दिखाना पड़ ही रहा है। लेकिन ये सब चीजें जिनका उल्लेख आपने अभी किया, ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भी सबके सामने थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई। हनुमंत पवार साहब जी, बिल्कुल, ये तो नकारा नहीं जा सकता कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में जो हमें बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वोट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हमारी जो चूक हुई थी वो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं होने वाली। लोगों ने हमें वोट दिए, हमारा वोट परसेंटेज आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, वो बीजेपी से ज्यादा है। लेकिन उसका कंक्लूजन में विनिंग कैंडिडेट होना, इसमें कहीं ना कहीं हम कम पड़ गए। हमारी जो पूरी यंत्रणा थी, हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, हमारी कुछ नीतियां होगी, इसमें हम 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जरूर सुधार करेंगे, उसके ऊपर हमारा काम लगभग हो चुका है। पवार साहब, द मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने अलायंस पार्टनर्स को आप कैसे साथ में रखोगे, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ममता दीदी वहां पर कहती है कि कांग्रेस प्रेजेंस इज बंगाल इज नेग्लिजिबल, है ही नहीं कांग्रेस का प्रेजेंस बंगाल में। सीपीएम केरला में कह रहा है कि राहुल गांधी जी को सीपीएम के सामने नहीं लड़ना चाहिए, आप जाके बीजेपी के सामने लड़िए, केरल से मत लड़िए, केरल में आप सीपीएम को हराओगे तो इंडिया अलायंस कैसे हो गया, सीपीएम का कहना है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि कन्वेनर आप नीतीश कुमार जी को बनाइए, तो एंड योर रुचि, तो हर जगह आप देखो समाजवादी पार्टी अखिलेश, तो आप अपने अलायंस तमिलनाडु में जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया के हिसाब से तुलना करके जिस प्रकार से एक के बाद जूनियर चैलेंज कर, तो ये आपके इंडिया अलायंस को आप रखेंगे कि इसमें दो राय नहीं है कि एक पैन इंडिया प्रेजेंस वाले पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड ऑपोजिशन होना चाहिए, लेड ऑपोजिशन, मगर यहां पर ऑपोजिशन हर स्टेट में जो सिंगल स्टेट में है वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आप सबको कैसे जोड़कर जाएंगे हनुमंत पवार साहब, टाइम बहुत कम है, 5 महीना मई चल में, अब मई में चुनाव है, 4 महीना बाकी है, ये टाइम बहुत आगे चल चुका है, मई में चुनाव है, इसका मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं, बाद में इंडिया अलायंस में क्या चल रही है इसके ऊपर मैं आपको बोलता हूं। 4 तारीख को यानी परसों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली, जिस राज्य का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, जहां इंडिया अलायंस में जो पार्टियां है वही एक दूसरे के सामने आती है,
तो उसके ऊपर तो 4 तारीख को ही नतीजा निकल के आएगा। पूरी चर्चा चालू है, किसी का भी किसी के ऊपर अविश्वास नहीं है, सब साथ मिल के जा रहे हैं। अब आपने जो कुछ सेंटेंस बताए कि येचुरी साहब ने कहा, पवार साहब ने कहा, ममता जी कुछ तो कह रही है, तो मैं आपको एक नुक्सा मैं आपको सुनाता हूं। ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के तरीके से होगा। हमारे गांव में जब बारिश की शुरुआत होती थी तब हम हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों के साथ शिकार करने जाते थे। खरगोश की शिकार हमारे वहां मैं जब छोटा था तब होती थी, अब तो बैन है, अब होती नहीं। तो क्या करते थे हमारे बुजुर्ग, अगर खरगोश उत्तर दिशा में बैठा है कहीं तो दक्षिण दिशा में हम हमारा क्या बोलते थे उसको, हम जाली बोलते थे उसको, शिकार की वो लगाते थे। और उत्तर दिशा से ही हम ढोल बजाते भागते थे। तो वो खरगोश को लगता था कि उत्तर दिशा से ढोल बज रहा है तो वहां क्यों भागने का, दक्षिण में भागेंगे, और वो हमारे जाली में आता। हम में इंडिया अलायंस में झगड़े हैं, हमारी जमती नहीं है, हम एक दूसरे को साथ में लेके जाते हैं, हमारा जो सीट का बंटवारा है वो कैसे हो जाएगा, ये तो भाई हमारे बजाने के ढोल। आपको 2024 में पता चलेगा इस झांसे में बीजेपी कैसे फंसती है। ये बीजेपी ने लगाया हुआ ढोल है, वही बता रहे हैं, उनकी ही मीडिया बता रही है, उनके ही लोग बता रहे हैं। हमारी तो मीटिंग चालू है अब महाराष्ट्र में, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर साहब भी हमसे चर्चा कर रहे हैं, पवार साहब से भी उनकी चर्चा हो गई, उद्धव साहब से भी हो गई, खड़गे साहब से भी उनकी चर्चा हो गई। तो जब जो पार्टियां शुरू से इंडिया अलायंस में है वो तो मजबूत से है ही है, लेकिन दूसरी भी कुछ पार्टियां हमसे जुड़ रही है, ये बीजेपी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उनको माहौल ऐसा बनाना है कि हम में ही झगड़े है, ऐसी कोई भी बात नहीं। हनुमंत पवार साहब, एक छोटी सी बात इसी बात में, एक आपके एक आपकी पार्टी में एक बहुत महानुभव है, जबरदस्त शख्स हैं वो, उनका काम ही है कि कांग्रेस के भीतर, नहीं तो कांग्रेस के बाहर, नहीं तो कांग्रेस के जितने अलाई हैं उनके साथ आग लगा देना। उनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। पिछली बार उन्होंने पूरी कैंपेन करी, जबरदस्त मेहनत करी, ना जाने क्या जादू फेरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर करवा दिया, जिसकी वजह से आप पंजाब हार गए। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, क्यों सहमत होंगे साहब, आपकी लीडरशिप का फैसला था, लेकिन आई स्टिल बिलीव कैप्टन अमरिंदर सिंह वॉज द बेस्ट कैंडिडेट टू लीड द कांग्रेस इन द पंजाब इलेक्शंस। अगर वो रहते तो मुझे लगता है या तो कांग्रेस वापस आती या ऑपोजिशन में भी आपके बहुत ज़्यादा सीट्स आती, ऐसा मेरा लगता है। दूसरी चीज़, अब वो फिर पीछे पड़ गए हैं भगवंत मान साहब के, आम आदमी पार्टी के पीछे पंजाब में। आखिर में भगवंत मान जी को कुछ ना कुछ रिटेलिएशन में कहना पड़ा, इतनी ज़्यादा बुराई करी नवजोत सिंह सिद्धू ने, न जाने क्या क्या स्टेटमेंट दी उनके बारे में, कि आज भगवंत साहब मान साहब ने कहा कि देखो अब जब माएँ किसी को सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी तो वो ये बोलेंगी एक थी कांग्रेस, ऐसा भगवंत मान साहब ने कहा है। जिसके ऊपर आप संदीप दीक्षित साहब ने भगवंत मान पे अटैक किया है, और तो और छोड़िए, मैं हमारे बड़े अच्छे मित्र, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, मोस्ट रेस्पेक्टेबल मैन, वेरी मैच्योर्ड एंड पॉसिबली द बेस्ट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी पार्टी, मैं तो उनको ये मानता हूँ। आपके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है आपकी पार्टी के, पवन खेरा साहब, वो सारी पार्टियों को आप मतलब एकत्रित कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया स्पोक्स पर्सन वो हैं। उनको भी बीच में कूदना पड़ा और उसमें बैलेंस लाना पड़ा कि भाई बातचीत हो रही है, हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है सर, मतलब सिद्धू साहब जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, आपकी अलायंस है, सब कुछ है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं तो आपने पंजाब का जिक्र किया है तो मुझे अच्छा लगा कि यूथ कांग्रेस में मैंने जब काम शुरू किया तो मेरे जो लीडर थे यूथ कांग्रेस के, नेशनल के प्रेसिडेंट थे राजा अमरिंदर वाली बोल के, जो हमारे है अभी वहां के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के जी। तो एक जुझारू लीडर, एक जमीन से जुड़ा हुआ लीडर, एक यंग लीडर अब पंजाब में कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। वो हंसी मजाक के पॉलिटिक्स वाले हमारे वॉरिंग राजा वॉरिंग ब्राह्मण ही है,
बहुत सीरियसली पॉलिटिक्स करते हैं, वो लाठी काठी भी पुलिस की खड़ी है, वो जेल में भी रह चुके हैं और किसानों की आवाज है वो। तो वहां पंजाब में जो कुछ भी होगा वो वहां के प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस का उनके ऊपर भरोसा है, उनको कांग्रेस पार्टी बढ़ानी है, चलानी है। लोगों के सवाल जो अपोजिशन में लोगों ने पंजाब के कांग्रेस को बिताया है, तो हमें लोगों की बात आगे लेके जानी ही पड़ती है। वो जाते वक्त जो सत्ता में बैठा है आम आदमी पार्टी, उससे अगर लोकल में कुछ टकराव हो जाता है, कुछ मतभेद हो जाते हैं, तो ये कांग्रेस और आम आदमी में बिल्कुल नेचुरली बात है कि हम बीजेपी जैसे नहीं है। शिवसेना को बीजेपी ने साथ में लेके बोलने नहीं दिया था, तो 25 साल शिवसेना साथ में थी, उनके ऊपर अब झगड़ा करना पड़ रहा है बीजेपी को। तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आपस में थोड़ा बहुत टकराव अगर लोकल से लोकल स्तर पर होता है तो वो लोगों के लिए ही होता है। जब वक्त आएगा कि हम साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो दिल्ली में बैठे हुए खड़गे साहब हो या आम आदमी पार्टी के पूरे आला कमान जो है वो सब वहां बैठेंगे, केजरीवाल साहब बैठेंगे, तो ये मसले हल हो जाएंगे। पवन, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन अमरिंदर सिंह जी की ये बात कर रहे हैं, राजा अमरिंदर सिंह की वो जिस राजा अमरिंदर सिंह को आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ये अमरिंदर सिंह राजा वारिंग है। बिल्कुल जी जी, बट ही इज अ वेरी सीरियस लीडर। वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकते, वो कभी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात उनके मुंह से कभी निकलेगी नहीं। इज अ वेरी सीरियस लीडर वो ऐसा। लेकिन जो सिद्धू साहब हैं उनको बोली ना अपनी जबान पे जरा लगाम रखें, कभी जाकर के इमरान खान को मिलके आ जाते हैं, वो जनरल बाजवा को जफ्फी मार के आ जाते हैं। अरे भाई, उसका जो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिला आपको खुद को मालूम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने छोड़ दिया हमको कांग्रेस के अंदर कि किसी भी तरह कांग्रेस का हाल बेहाल करो, पहले दिल्ली में फिर पंजाब में, कहीं ऐसा तो नहीं है सर? हनुमंत पवार साहब, मुझे तो शक हो रहा है। मुझे माफ कीजिए, इस विषय पे मैं चाना पे नहीं बोलूंगा। अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं राजा अमरिंदर वाली हमारे अच्छे दोस्त थे, लीडर रह चुके वहां के प्रेसिडेंट थे, मैं जरूर उनसे बात करके समझ के लूंगा। साहब, आप अंबेडकर जी के बात कर रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अब जुड़ गए हैं, मगर उनका जुड़ना ज्यादा तकलीफ लेके आ रहा है कि आपको और आशा दे रहे हैं? बिकॉज जुड़ते ही उन्होंने कहा कि अब चार पक्ष हो गया, सबको 12-12 लोकसभा का सीट मिलना चाहिए। नाउ 12 सीट प्रकाश जी अंबेडकर, और प्रकाश अंबेडकर जी जस्टिफाई भी कर रहे हैं, बोले कि हम लड़े सेपरेटली इसलिए कांग्रेस को लास्ट लोकसभा में सिर्फ एक सीट महाराष्ट्र से मिला, यू नो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को 18 इसलिए मिला था कि बीजेपी के साथ जुड़े थे, और एनसीपी को सिर्फ 4 मिला, वो 4 इसलिए मिला कि कांग्रेस में से एक, बिकॉज वीबीए प्रकाश अंबेडकर जी का पार्टी सेपरेट लड़ा था ना। हाउ डू यू सी दिस चार्ज, आने से तकलीफ ज्यादा है या जुड़ने से आपको फायदा ज्यादा है? प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पॉलिटिकली समझ है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को आरएसएस को हमें हराना है, ये लाइन पे वो अभी आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है उनको ये लगता है, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को लगता है, उनके उधर के भी वंचित आघाड़ी के भी कार्यकर्ता हमारे अच्छे दोस्त हैं ग्रास रूट पे, उनको भी लगता है, मेरे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता को भी लगता है कि कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर साहब एक साथ आने चाहिए। अगले 8-10 दिन में ही आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। प्रकाश अंबेडकर साहब इंडिया अलायंस में आए होंगे और अच्छा ही होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वंडरफुल। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। हनुमंत पवार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मई 2024 के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र योगेश।